हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग कैमरा के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से मल्टीपल कैमरा को सेट किया जा सकता है अपने सीन में, तो उसका यूज़ हम लोग जानेंगे। तो मैं इसमें आपको बस मल्टीपल कैमरे के बारे में बताऊंगा। ओके, तो पहले देखिए हमारा फर्स्ट फ्रेम पे है और अभी हमको कैमरा सेट करना है। तो जहाँ पे कैमरा सेट करना है वहाँ पे 3D कर्सर रख दीजिए। तो मान के चलिए मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर 7 प्रेस करके इस ब्लैक जो क्यूब है हमारा, इसके ऊपर एक कैमरा लग जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3D कर्सर को लेता हूँ और बिल्कुल इसके ऊपर में ऐसे, यहाँ पे आप चाहे तो सेंटर में इसको रख सकते हैं। फिर मैं वहाँ पे जाता हूँ और फिर शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ, यहाँ पे एक कैमरे को ले लेता हूँ। फिर और यहाँ पे मैं एक और विंडो को लेता हूँ, यहाँ से मैं कैमरे को सेट करूँगा, यहाँ से मेरे को कैमरा दिखेगा। तो 0 प्रेस करता हूँ और फिर इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, बिल्कुल सेंटर में जाके लग गया। N प्रेस करें, इस कैमरे को यहाँ पे लॉक कर दीजिए और यहाँ पे ये कैमरा सेट हो चुका है। अब यहाँ पे आइए और यहाँ पे 1 प्रेस कीजिए और यहाँ पे ये मूव बटन को लीजिए। सारा कंट्रोल हम यहाँ से करेंगे, देख रहे हैं आप, मैं यहाँ से कैमरे को मूव कर रहा हूँ और सारा कुछ यहाँ पे मेरे को दिख रहा है। तो बिल्कुल ये सीधा गया है, सीधा गया है कि नहीं इसको देखने के लिए यहाँ पे चेक कर सकते हैं। 3 प्रेस करके, 1 प्रेस करके इसको देखिए। मान लीजिए मेरे को इसको बिल्कुल सेंटर में रखना है इधर से, और 3 प्रेस करके देखता हूँ तो कहाँ गया, ये बिल्कुल सेंटर में है। 7 प्रेस करके देखते हैं तो ये सेंटर में जाके कैमरा को लग चुका है। और मैं थोड़ा नज़दीक इसको लेके आता हूँ, यहाँ से चेक करते हैं कैमरा किधर को गया है। यहाँ पे जो कैमरा है इस पर क्लिक करेंगे तो कैमरा हमारा कहीं दूर जाके छिप गया है जो नज़र नहीं आ रहा हमको, तो इसको आपको खोजना पड़ेगा कि ये रही, ये जो कैमरा है यहाँ पे गया है। ठीक है, यहाँ पे है तो ये कैमरा है, मेरे को ये कैमरा नहीं चाहिए, इसको मैं डिलीट करता हूँ। दूसरा कैमरा है तो जहाँ पे आपका 3D कर्सर, ये जो ये बटन आपने रखा है ये जाके मिलेगा, इसको मैं यहाँ से मूव करता हूँ क्योंकि कभी कभी देखिए यहाँ पर गया, मैं इसको यहाँ से छोड़ यहाँ पे करता हूँ तो ये 3D का ये जो हमारा मूव बटन है वहाँ चल जाएगा। मान चलिए कैमरा इस तरह से कभी खो जाता है, कहाँ पता नहीं लगता है, इतना दूर जाके रख देते हैं हम, तो उसके लिए भी आपके लिए सॉल्यूशन था। इस पर क्लिक करेंगे, इस कैमरे को कैमरा 1 नाम दे देता हूँ, कैमरा 1 तो पहले से यहाँ पर है। अब मैं इसको लिख देता हूँ टॉप कैमरा, टॉप एंगल लिख देते हैं। तो समझ लीजिए कि मैं ऊपर से इसको सीन शूट करूँगा, तो मैं 0 प्रेस करता हूँ, ये ऊपर चल गया। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मेरा यहाँ पे है, जिसे आप देखिए यहाँ से ऊपर नीचे करके देख सकते। मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट कैमरा मेरा यहाँ पे रहे और उसके बाद नीचे आए, तो इसके लिए कैमरा आ तो गया पर कैमरा को सेट नहीं किया गया है। तो M प्रेस कीजिए तो यहाँ पर F दिखेगा, कंट्रोल B प्रेस कीजिए तो टॉप एंगल आ जाएगा यहाँ पर और आपका कैमरा सेट हो जाएगा। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि अब नीचे आए तो I प्रेस कीजिए, लोकेशन रोटेशन स्केल प्रेस कीजिए। अब मैं चाहता हूँ कि ऊपर से मेरा कैमरा नीचे आए, तो मैं इसको क्या करता हूँ 50 फ्रेम पे लेके जाता हूँ और ऊपर से कैमरे को नीचे लेके आता हूँ जहाँ तक मैं सेटिस्फाई हो जाऊँ। तो मैं चाहता हूँ इतना कवर कर ले, फिर आई प्रेस करके लोकेशन रोटेशन स्केल, तो यहाँ से फर्स्ट कैमरा यहाँ तक जाएगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि दूसरा कैमरा मेरा क्या करे, यहाँ पर ये क्या करे मेरा, इधर से साइड एंगल से लेके जाए, इधर से एक्स एक्सिस में कैमरा को कवर करे, इस ये जो हमारा पिलर देख रहे इसको कैरेक्टर मान के चलिए कि इसके ऊपर क्लियर करें। आप जिस एंगल में लगाना चाहिए उस एंगल में लगा सकते हैं, तो मैं इधर से इसको लगाना चाहता हूँ। ठीक है, इस साइड से, ठीक है, तो वो दिखाता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 प्रेस करना पड़ेगा या यहाँ 3 प्रेस कीजिए तो यहाँ से मेरे को दिख रहा है। 3D कर्सर को बिल्कुल यहाँ पर सेंटर पर रख रहा हूँ, फिर यहाँ पे जा रहा हूँ, शिफ्ट ए प्रेस करके 0 प्रेस कैमरे पे सेलेक्ट किया, कैमरा आ गया पर ये कैमरा अभी सेट नहीं हुआ। इसको सेट करने के लिए यहाँ पे M प्रेस कीजिए और कंट्रोल B प्रेस कीजिए और यहाँ पे कैमरे का नेम लिख दीजिए साइड एंगल। तो यहाँ भी आप साइड एंगल कैमरा यहाँ पे आ चुका है आपका। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, यहाँ से कंट्रोल कीजिए, ये मूव बटन लीजिए, 3 प्रेस कीजिए या 1 प्रेस कीजिए। अब आप इसको दूर लेके जाइए, आप चाहते हैं कि कैमरा चेक करने के दूर लेके जाएंगे तो आपको पता नहीं लगेगा, यहाँ पे लेके जाते हैं, यहाँ पे रखता हूँ। अब मैं चाहता हूँ यहाँ से मेरा इस तरह से इसको कवर करें, ठीक है, तो
तो इस तरह से कवर करने के लिए यहाँ पे गया मैं, आई प्रेस किया लोकेशन रोटेशन स्केल। अब 50 पे गया तो मैं चाहता हूँ 100 पे जाके अब मेरा कैमरा क्या करे, इसको बिल्कुल जूम करे यहाँ पे, इसको इतना या इतना, और फिर मैं आई प्रेस कर दो लोकेशन रोटेशन स्केल। याद रखिए ये है पहला कैमरा आपका, ये टॉप एंगल से जा रहा है, ठीक है, यहाँ से गया। दूसरा एंगल आपका साइड एंगल से कवर कर लिया। तो ये मैंने दो कैमरा बताया, तीसरा कैमरा भी बताया, तो बाकी सभी कैमरे को किसी प्रकार से सेट किया जाता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान चलिए इधर से कवर कर लिया, अब मैं चाहता हूँ इधर से इस ब्लू को कवर करे, तो अब थ्री प्रेस कीजिए तो इस साइड में आए, कंट्रोल थ्री प्रेस करेंगे इसके अपोजिट साइड में आएंगे, और यहाँ पर कर्सर लीजिए और बिल्कुल यहाँ पर इसको रख दीजिए, और यहाँ पर जाइए शिफ्ट ए प्रेस कीजिए, ठीक है, और यहाँ पे कैमरा ले लीजिए, और यहाँ पे इसको 100 फ्रेम कर लीजिए। यहाँ से नहीं होता तो यहाँ पे सीधा 100 लिखिए, यहाँ पहुँच जाएगा। अभी हम इस कैमरे पे हैं, इस कैमरे का नेम लिख लेते हैं राइट एंगल, या अपोजिट, ठीक है, अपोजिट साइड एंगल, इस तरह से आप कोई नेम दे दीजिए इसको। अब मैं यहाँ पे एम प्रेस करता हूँ कंट्रोल बी, तो मैं उस कैमरे में पहुँच चुका हूँ। अब यहाँ पे चेक करने के लिए यहाँ पे थ्री प्रेस कीजिए, थ्री नी वन प्रेस कीजिए, और देखिए कि आपका कैमरा इधर है, इसको कवर कर रहा है। तो अब मैं चाहता हूँ कि अब इसको भी इधर से कवर करें, तो यहाँ पर मैं लेके गया, आई प्रेस किया लोकेशन रोटेशन स्केल, और यहाँ पे 100 के बाद मैं फिर से 150 फ्रेम पे चल गया। इधर से नहीं जाता तो सीधा वहाँ से 150 लिखिए, तो 150 फ्रेम पे पास पहुँच जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे, अगर आपको पहले पे जब यहाँ पे चल जाए तो आई प्रेस कर लोकेशन रोटेशन स्केल कंट्रोल जेड, हमने यहाँ पे लगा चुके तो दोबारा नहीं लगाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे अब नज़दीक जाने के बाद मैं इसको लगाऊँगा, मैं चलिए इसको कवर किया, और भी नज़दीक ले सकते हैं आप आई प्रेस करके लोकेशन रोटेशन स्केल। अब इसको थोड़ा पीछे मूव करके देखिए, तो ये जो हमारा अपोजिट साइड एंगल है इसको इसने क्या किया, कवर कर लिया। अब मैं चाहता हूँ इसके बाद से मेरा 150 के बाद फिर से मेरा कैमरा इधर से कवर करे, तो मैं 1 प्रेस करता हूँ और इधर से कैमरा लगाता हूँ। तो यहाँ पर मैं जा रहा हूँ, और फिर यहाँ पर क्लिक कीजिए, शिफ्ट ए प्रेस कीजिए, और यहाँ पर कैमरा ले लीजिए, फिर यहाँ पे एम प्रेस कीजिए और कंट्रोल बी प्रेस कीजिए, तो आप उस एंगल में पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से हम एडजस्ट कर रहे हैं, इधर बिल्कुल भी नहीं छेड़ रहे हैं। थ्री प्रेस कीजिए और फिर यहाँ से दूर जाइए, इतना दूर। अगर आपको लिख रहे कि कितना दूर है, नहीं है तो पता नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वाई एक्सिस में जा रहे हैं। वाई एक्सिस में मान के चलिए हमने कितना किया, -150 पीछे चले गए। तो इस तरह से नंबरिंग होगी तो आपको दिक्कत नहीं हो, हर एक जगह पर आप यही सेट कर सकते हैं। और फिर मैं यहाँ पे आई प्रेस करता हूँ लोकेशन रोटेशन स्केल। अब मैं 200 फ्रेम पे जाने के बाद मैंने 150 किया था, अब मैं 150 कर देता हूँ, तो आप देखिए थोड़ा कहाँ चले गए आप, पहले -150, यहाँ आ गए। आप इधर ही से एडजस्ट कीजिए इसको, इसको नज़दीक लेके जाइए। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो 150 नहीं गया, -39, ठीक है, और नज़दीक लेके जा रहा हूँ तो ये इस तरह से इतना इतना लेके चलिए, मान के चलते हैं। और फिर मैं आई प्रेस की लोकेशन रोटेशन स्केल लगाता हूँ, तो आप देख रहे हैं चार कैमरा, एक टॉप एंगल से, साइड एंगल से, अपोजिट साइड एंगल से, तो चार कैमरे हमारे यहाँ पर लग चुके हैं। अब मैं पांचवा कैमरा चाहता हूँ कि जस्ट इसके वाइट इस चीज़ को तैयार करे, तो कंट्रोल 1 प्रेस कीजिए, यहाँ पे जाके कर्सर को यहाँ ले लीजिए, फिर शिफ्ट ए प्रेस करके यहाँ पे कैमरा को लीजिए, और फिर यहाँ पे एम प्रेस कीजिए, कंट्रोल बी प्रेस कीजिए, इस कैमरे का नेम दे दीजिए, क्या है, बैक ऑर्थोग्राफिक व्यू, तो यहाँ भी लिख दीजिए बैक कैमरा। मैंने लिख दिया और ये कैमरा मेरा सेट हो चुका है। यहाँ पे जाऊँगा, थ्री प्रेस करके देखता हूँ, फिर कैमरे को मैं यहाँ पे लेता हूँ। अब मेरा मान के चलिए थोड़ा मन कर रहा है कि मैं कैमरे को क्या करूँ, थोड़ा रोटेट करूँ। मैं चाहता हूँ कि ऊपर से कैमरा, ऊपर से क्या करे कैमरा, इसके लिए मैं लोकल व्यू में आया हूँ। मैं चाहता हूँ
थोड़ा ऊपर लो, थोड़ा ऊपर, ठीक है। यहाँ से मेरा कैमरा क्या करे, यहाँ से इसको पकड़े, तो यहाँ पे जाके देखिए कहाँ पे कवर हो रहा है। यहाँ पे जाके अगर मैं यहाँ से नीचे लेके आता तो इसको कवर करना है मेरे को, तो इस एंगल में कवर करना है मेरे को। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ इसको और फिर आई प्रेस करके लोकेशन रोटेशन स्केल, और फिर मैं इसको नज़दीक लेके आता हूँ, फोकस करता हूँ। इसके पहले आपको यहाँ पे 200 फ्रेम पे 150 पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे लिख दीजिए 150, और ठीक है अब देखते हैं। यहाँ पे गया मैं 150 पे गया, यहाँ पे की लगा है, तो यहाँ पे जाइए 150 पे, 250 पे शायद 150 चल गया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मेरे को ऐसे जूम करे ये, और फिर इसके लिए मैं आई प्रेस करके लोकेशन रोटेशन स्केल लगाता हूँ। तो आप देख रहे हैं ये अलग अलग कैमरा हमारा सेट कर रहा है। तो ये कैमरा मेरा कितना हो गया 250। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, तो अलग अलग एंगल से कैमरा क्या कर रहा है, इसको शूट कर रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे रेंडर पर भी जाऊँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे लाइट नहीं सेट किया। तो मैं लाइट सेट करता हूँ, 0 प्रेस करता हूँ, यहाँ पे लाइट आ गई। अब मैं यहाँ से एडजस्ट करता हूँ, लाइट को मैं सेंटर में लेता हूँ। तो वैसे सिर्फ ये कैमरा, ये कंट्रोल जेड, ये लाइट नहीं है, ये हमारा कैमरा आ गया है। ये लाइट में जाके सन लाइट ले लीजिए, 3 प्रेस कीजिए, इसको ऊपर ले लीजिए, कंट्रोल जेड, इसको ऊपर ले लेते हैं। और यहाँ पे जाके इसकी वैल्यू को हम कितना रखते हैं, चलिए सपोज़ कीजिए 8 रख देते हैं, और फिर मैं 12 प्रेस करता हूँ तो आपको दिखेगा। तो मैं यहाँ पे एरिया लाइट को लेता हूँ, एरिया लाइट नहीं, सन लाइट एनर्जी, अभी इतना नहीं हमको लाइट में जाना है। इसको कवर कर इसको सेंटर में लेके आते हैं, इसको थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं, शिफ्ट डी प्रेस करके एक लाइट इधर लेके जाते हैं और एक इधर लेके जाते हैं, और आर प्रेस करके इसको इधर लेके आते हैं, तो यहाँ पे आपको लाइट दिखने लग जाएगा, ठीक है। अब फिर कौन सा एंगल रहेगा, इस एंगल में कैमरा पर लाइट नहीं है, तो शिफ्ट डी प्रेस कीजिए और इसको इधर लेके जाइए, और आर प्रेस करके इसको रोटेट कीजिए, तो इधर से भी लाइट देगा, तो जहाँ पे रखना है आपको वहाँ पे इसको रख सकते हैं। इतना पे रह गया, और फिर यहाँ पे प्रेस कीजिए, और फिर कैमरा को बैक लेके जाइए, तो इस एंगल में लाइट नहीं है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस में यहाँ पे दिखा रहा नहीं है, तो शिफ्ट डी प्रेस कीजिए और यहाँ पे जाके एक्स एक्सिस में पहुँचिए और आर प्रेस कर रोटेट कीजिए, तो एक्स एक्सिस में आपका लाइट पहुँच जाएगा। अगर ये नहीं पहुँच रहा है तो इसका मतलब कि लाइट इसको नीचे लेना पड़ेगा थोड़ा। जब ये हो जाए तो शिफ्ट डी प्रेस कीजिए और यहाँ पे जाके एक इधर से लीजिए। मैं इसमें आपको एनिमेशन ही बताऊंगा कि आप मान लीजिए कैमरा सेट कर लिए, वीडियोस कैसे निकालेंगे, तो वीडियो भी आप यहाँ पे कवर कर पाएंगे, तो मैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे अभी कवर कर दूंगा आपको कि वीडियो भी निकाल सकते हैं आप। जब ये हो जाए तो यहाँ पर आप देखिए इधर से चेक करके देखिए लाइट आ गई है सब जगह से। मैं इसका वीडियो निकाल के दिखाना चाहता हूँ आपको, तो मैं इसको यहाँ से इसको ज्वाइन कर देता हूँ और यहाँ पे 1 प्रेस कर दीजिए, क्योंकि कैमरा सब सेट है। अभी आप कुछ करेंगे कैमरे पे लगा के तो दिक्कत करेगा। जब कैमरा सेट हो जाए तो यहाँ पे आप आइए रेंडर प्रॉपर्टीज़ में, ईवी में जाइए। ईवी में आपको हमेशा क्या निकालना है, रेंडर निकालना है। उसके बाद रेंडर प्रॉपर्टीज़ में जाके 24 फ्रेम है और यहाँ पर जाके पाथ दीजिए इसको। तो मैंने यहाँ पर फनी कार्टून दिया, इसमें कैमरा एंगल लिख देता हूँ, ये मैंने यहाँ पर सेट कर दे कि जहाँ पे मेरे को सेव करना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो सारा प्रोजेक्ट कहाँ जाएगा पता ही नहीं लगेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर वीडियो निकालना है तो FFmpeg वीडियो लगाइए, ठीक है, तभी ये इस पे रखेंगे, इस फॉर्मेट पे, तभी आपका वीडियो एनिमेशन निकल के आ पाएगा। तो अगर आप यहाँ पे JPG पे रखते हैं सब कुछ पे, PNG पे, तो PNG फोटो निकलेगी। जब ये हो जाए क्विक टाइम सेट कीजिए यहाँ पर, हाई क्वालिटी हमारा
260 ये फिट है, हम इसको रहते हैं। मीडियम क्वालिटी आप इसको हाई भी कर सकते हैं, पर अभी ये मीडियम क्वालिटी में डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़िए, ऐसे रहने दीजिए। अभी एम पी थ्री हम नहीं रख रहे हैं, क्यों इसको हम, क्योंकि हमने अभी हम नो ऑडियो रखे हैं इस पर, तो नो ऑडियो में हमारा इसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि ऑडियो है नहीं, तो हम यहाँ पे ऑडियो क्यों रखेंगे। अगर मान चलो आपके कार्टून वीडियोस में ऑडियो है तो आप एम पी थ्री पर क्लिक जरूर कीजिए, अगर नहीं करेंगे तो आप तो जो वीडियो एनिमेशन कर देंगे एक दो घंटा वेस्ट हो जाएगा, पर उसमें कोई आवाज़ नहीं आएगी, इसलिए एम पी थ्री करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं फिर भी कर देता हूँ इसको, और इतना सेटिंग होने के बाद आप क्या करेंगे, अब रेंडर पर जाएंगे। तो जब सब सेट हो जाए तो यहाँ पर जाइए, रेंडर करने से पहले चेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप मेहनत ही इतना किए हैं, अगर रेंडर निकलने में समय बहुत लगता है, अगर निकल गया तो उसमें फिर चेकिंग इसलिए बहुत ज़रूरी है। जब ये सब हो जाए आप चेक करके देख लीजिए एक बार पूरी तरह से, तभी जाके आप रेंडर पे जाइए। जल्दबाजी करेंगे तो नुकसान बहुत हो जाएगा, क्योंकि मैं खुद ही 10-20 घंटा बर्बाद कर चुका है इसके ऊपर, तो मैं नहीं चाहता हूँ आप सबका भी वेस्ट हो। तो रेंडर पे जाके अब रेंडर एनिमेशन जैसे मैं करूँगा तो यहाँ पे आपको फ्रेम रेट दिखा रहा होगा कि यहाँ पे फ्रेम रेट काउंट होना स्टार्ट हो चुका है, यहाँ से भी देख सकते हैं, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी देख सकते हैं। जैसे मैं रेंडर हो रहा हूँ उस समय आपको अलर्ट रहना है, कंप्यूटर में इन्वर्टर सेट होना चाहिए, मतलब कहने का मतलब लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो वो ऑफ नहीं होना चाहिए, उसको चार्ज में लगा दीजिए, ठीक है। उस पर अभी बिल्कुल कोई काम भी मत कीजिए, उसको बिल्कुल होने दीजिए। रेंडर फास्ट होने का अर्थ है कि उसमें ग्राफिक कार्ड लगा हुआ हो, अच्छा खासा 8 GB का रैम हो कम से कम, ठीक है, और अच्छा मतलब कि उसके पास मेमोरी हो, SSD लगा हुआ हो कम से कम 256/512, तो इतना कम से कम लगा के रखिए, और अच्छा स्पेस भी होना चाहिए ताकि स्पेस ना कम हो। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आपकी, तो आपका अच्छा चलेगा, ठीक है। तो अभी देखिए रेंडर हो रहा है, जस्ट ये कंप्लीट हो रहा है, मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो किस तरह से निकलती है इसकी। तो हमारा ये फाइनल हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो पे जाके। तो मैं यहाँ पे कैमरा एंगल सेट किया था उसको, तो मैं कहाँ पे था, फनी कार्टून यहाँ पे जाके ब्लेंडर रिजल्ट में फनी कार्टून पे कैमरा एंगल इस पर सर्च करता हूँ, तो ये कैमरा एंगल ये देखिए वीडियो, अभी जो हम उसका वीडियो बनाए हैं, लाइटिंग कैमरा ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से बन गया, अभी मैंने 250 फ्रेम का किया तो सिर्फ 10 सेकंड का वीडियो निकल के आया। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं, इसको मैं कट करता हूँ, इस फाइल को सेव जरूर कर लीजिए अच्छी तरह से। जैसे मैं इसको सेव एज प्रेस करके कैमरा एंगल लगा देता हूँ, कैमरा एंगल इसको मैं सेव करता हूँ, तो यहाँ पर ये सेव हो चुका है। तो इस क्लास में इतना ही, अगर आपको इस क्लास में कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमको कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग द वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में, और इस फनी कार्टून कैरेक्टर को जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं ताकि आप सब अच्छी तरह से वीडियो निकाल पाए। तो यहाँ तक आप चाहे तो आप वीडियो अपना स्टार्ट कर सकते हैं, बस एक क्लास और रह गया कि मूवमेंट कैसे देना अपने कार्टून को, वो मैं बता दूंगा। तो कोई भी स्टूडेंट अपना वीडियो जनरली नॉर्मल से एक वीडियो निकाल सकते हैं, ठीक है, ताकि अभी प्रैक्टिस भी होती रहे। और एडवांस लेवल का हमको जो है सारा सीन सेटअप, तो सीन आप बाहर से भी ले सकते हो, वो सेटअप मैं एक बता दूंगा आपको, तो कुछ ही क्लास में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपका ये चीज़ें क्लियर हो, ताकि टाइम वेस्ट करने से ना मेरा फ़ायदा है ना आपका फ़ायदा। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।